बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ के खिलाफ कोविड नियमों का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। उन पर बिना किसी जरूरी काम के बेवजह यहां वहां घूमने के लिए मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि मुंबई में दोपहर 2 बजे के बाद बिना किसी कारण लोगों का इधर उधर घूमने पर पाबंदी है, लेकिन टाइगर श्रॉफ इसके बावजूद शाम तक बांद्रा बस स्टैंड के निकट घूमते पाए गए। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि किस तरह पुलिस ने दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ की गाड़ी रोकी थी। जानकारी के मुताबिक दोनों अपने जिम से निकलकर बैंड स्टैंड के चक्कर लगा रहे थे। मालूम हो कि कोविड के चलते मुंबई पुलिस अभी बेहद सख्त है और इसी बीच टाइगर श्रॉफ पर यह कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी दोनों ही बॉलीवुड फेवरेट कपल में से एक है। दोनों साथ में बागी 2 और बागी 3 फिल्म में नजर आ चुके हैं।